छोटी सी मिस्टेक से हुआ ट्रक का बहुत बड़ा हादसा, जिससे जो है कि ट्रक पूरी तरह से एकदम तबाह हो गया है, जो कि आधा आधा ट्रक खुल गया है। लेके चलते हैं आपको ट्रक के पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आप लोग देख रहे हैं विशाल चौबेपुर ब्लॉग। और हमारे यहाँ जो है कि शाहपुर में एक जो है कि ट्रक बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। वो टेलर है जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से लड़ा है और उसके पास लेके चलते हैं। और बताया जा रहा है कि जो हमारे जो ये इसमें के जो ड्राइवर साहब थे वो बच गए पूरे साफ साफ। चलिए उसको आपको दिखाते हैं और आप उसी से अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना खतरनाक है वो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के शाहपुर में हुआ बहुत ही बड़ा हादसा, जिस कारणवश से जो कि ट्रक जो है कि पूरी तरह से उसका जो है सत्यानाश हो गया। ये रहा नीचे का हिस्सा और आपको दिखाते हैं अभी ऊपर का हिस्सा, जिस कार से आप देख ही सकते हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना ही ज्यादा खतरनाक जो है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है इस जो है ट्रक का। और ये देखिए एक भैया जो है कि नंबर प्लेट से पता लगा रहे हैं कि किस जो है कंपनी का ये गाड़ी है और जो लोग थे वो कौन थे। चलिए आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं और आगे का भी दिखाते हैं। ये था जो है कि ट्रक के आगे वाला हिस्सा और उसके बाद लेके चलते हैं उसके मेन इंजन के पास, जो कि आप देख ही सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा जो कि नीचे था। और जो है ये देखिए, ये जो हिस्सा है उसका जो मेन हिस्सा होता है उसका जो ट्रक का पूरा इंजन उंजन है और जो चेसिस है वो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बिखरा पड़ा है यहाँ पे इस ज़मीन पर। और उस साइड से ट्रक इस साइड आके लड़ा है बहुत ही बेहद बुरी तरीके से। और ये देखिए पूरे ट्रक का जो है सत्यानाश हो गया। ये ट्रक जो है कि अब किसी भी काम का नहीं रहा है। चलिए इसका जो है कि पूरा डिटेल आपको बताने की कोशिश करते हैं। लोगों ने बताया कि जो ये दूसरा चक्का इसमें का यही रात को ब्लास्ट हो गया था, तब आसपास वालों को जो है कि पता चला। और ये देखिए ट्रक इस प्रकार से खुल गया है, जिस प्रकार से लग रहा है कि कोई मैकेनिक जो है कि इसका जो है कि एक एक पार्ट पूरा खोला है। ऐसा ट्रक, इतना खतरनाक हादसा आज तक ले हमने अभी देखा नहीं था। क्या आपने देखा था तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं इसका पूरा डिटेल। और ये जो ट्रक है भाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, एकदम मान लीजिए ये पूरा डेड हो चुका है। ये ट्रक दोबारा बनाया नहीं जा सकता। अगर इसकी जो चीज़ें हैं दूसरे ट्रक में शायद लग जाए तो लग जाए। यही एक भगवान की बहुत ही अच्छी बात है कि जो इसके ड्राइवर और खलासी थे वो अभी तक जीवित है और जो है कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये किस प्रकार से जो है कि लड़ा है ये बताया नहीं जा सकता। चलिए बताते हैं आपको ये ट्रक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक है एमपी में शक्ति नगर से लोड होकर जो है कि गाजीपुर जा रहा था और बीच में ही शाहपुर पेट्रोल पंप के कुछ आगे जहाँ पे पुलिया है उसी में जाकर ये बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, जो कि बताया जा रहा है। जो हमने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि 12:04 या 5 पर ये जो है खतरनाक हादसा हुआ। आसपास वालों से थोड़ा पूछताछ करने पर पता चला कि जो ट्रक है कुछ 2-3 किलोमीटर पहले से ही ये जो है कि नियंत्रित नहीं रह गया था, जिससे पता चलता है कि ट्रक कितनी ज़्यादा दूर से आकर यहाँ पे लड़ा। और जो है कि ट्रक अकेले ही लड़ा था, इसमें जो कि कोई और किसी को हानि नहीं हुई, सिर्फ जो ड्राइवर और खलासी हैं उन्हीं को ज़्यादा हानि हुई, जो कि अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती है। और हमको ये भी पता चला कि ये जो ट्रक है जब अपना नियंत्रण खोया तो उसके पीछे एक कार वाला था जो कि पीछे पीछे इनके चल रहा था, लेकिन जब पेट्रोल पंप पर उस कार वाले ने जो है कि इन्हें जो है कि अपना पास दे दिया कि आप आगे जाइए, और कुछ दूर आगे आने के बाद उसने जो है कि अपनी कार खड़ी कर दी और उनको पास देने के बाद ये कुछ ही दूर गए थे, जाकर ये डायरेक्ट पुलिया में लड़े और ये बहुत ही बड़ा जो है कि हादसा हो गया, जो कि शाहपुर पेट्रोल पंप के ठीक आगे ही जो पुलिया है उसी में जाकर लड़े थे। और जो कि हादसा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जब आसपास वालों को जो आवाज़ आई आप देख ही सकते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो नीचे गिर गया है, और इस हादसे जो से जो है कि जो इनका कुछ समय पहले जो सड़क के किनारे जो डिवाइडर होता है उसमें जो है कि ट्रक बहुत ही ज़्यादा 10 मीटर पहले से जो कि रगड़ा रहा था, जिस कारण से इसका जो पिछला टायर जो कि बहुत ही
तेजी से ब्लास्ट हुआ तब आसपास वालों को पता लगा, जब ये लड़ा तो इतना ज्यादा खतरनाक जो है कि ये जो है लड़ा कि आपको हम बता नहीं सकते। जो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, इसका जो है कि तीन खंड हो गया है इस ट्रक का। और ये देखिए तेल किस प्रकार से जो है कि फैला हुआ है सड़क के किनारे। और ये देखिए जो ये इसमें भरा हुआ है, जैसे कि वाइट वाला बालू होता है और बालू और मिट्टी का मिश्रण इसमें भरा हुआ है, जो कि गाजीपुर जा रहा था खाली होने के लिए। ये टेलर है और ये जो है कि यहीं पे लड़ गया। और ये देखिए कितना दूर पुलिया में जाके लड़ा है। और इसका जो है कि ये पीछे वाला हिस्सा है जो उस पर लदा होता है सामान। और इसका देखिए हाल, चलिए कुछ दिखाते हैं किस प्रकार से ये जो है कि एकदम टूट फूट कर जो सड़क के इस पार आ गया। आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क कहाँ से लड़कर ये कहाँ पे आया है और कितना ही ज़्यादा तेज जो है कि ये था गाड़ी। हमको लगता है कि हमारे अंदाजा से ये 70-80 से भी ऊपर का था इसका जो है कि इसकी रफ्तार। और रफ्तार तेज होने के कारण जो कि इसका तीन खंड हो गया है। और आसपास के लोगों ने जो है कि जब गाड़ी लड़ी तो लड़ने के बाद तुरंत जो कहते मौके कहते आगे तुरंत 112 सगरो वाले फोन करे जो थाने पे सो सब आएगा 10 मिनट एकदम ड्राइवर एकदम फेंका लेना हिम्मत नहीं अच्छी हो कि फेंका लेते यार भैया बताओ तुम कि मोबाइल क्यों ले ले इधर यहाँ पे रात को। और आप ये देखिए गाड़ी की क्या हालत हुई है। और ये भैया जो है कि उस साइड टेम्पू लगा कर आए थे देखने के लिए, इन्होंने टेम्पू का जो है कि पीछे का ब्रेक लगाया नहीं था, जिस प्रकार से इनका टेम्पू उस साइड से इस साइड हो गया और एक बड़ा हादसा होने से फिर बच गया। अब ये भगवान की कृपा थी इनके ऊपर, नहीं तो अगर कोई गाड़ी होती तो इनको भी मार के चली जाती और एक हादसा के जगह पर एक और हादसा हो जाता। और आप देख ही सकते हैं ये रहा उसका जो है कि नीचे का हिस्सा और वो साइड था उसका ऊपर का हिस्सा। और इसी पास में ही एक और एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा हानि नहीं हुई है। वहाँ पे देखिए एक गाड़ी है, उसका भी पता चला है कि पीछे से किसी ने जो है कि वो आया था खड़ा कर यहाँ पे देखने के लिए, किसी ने ठोक दिया है। वहाँ पे भी जो है कि पुलिस का चारों तरफ से बंदी लगाया गया है और जो है कि रोड थोड़ा सा साफ करा दिया गया है, जिस कारण से जो है कि यहाँ पे जाम वाम नहीं लग रहा है। और लोग जो है कि इसे बहुत ही देख रहे हैं आकर कि इस प्रकार से जो है कि लड़ा है ट्रक, क्योंकि ट्रक को ही इसकी हानि हुई है और ड्राइवर और साहब को हानि हुई है। और ये देखिए किस प्रकार से तोड़ फोड़ दिया है पुलिया। और ये देखिए हालत पूरी ख़राब हो गई ट्रक की। और UP 65 नाम था इस ट्रक का और नंबर तो आप देख ही होंगे। और वो था देखिए उसका जो निचला हिस्सा, ये आगे का हिस्सा और ये रहा पीछे का हिस्सा, जो कितना ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से लड़ा है। और जो ड्राइवर और खलासी हैं दोनों लोगों को जो है कि ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और दोनों ही लोग बहुत ही ज़्यादा जो है कि हालत उनकी सही नहीं है। और चलिए नीचे आ गए हैं, नीचे से आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये ट्रक लड़के जब नीचे गिरा तो पूरा जो है इसका एक एक पार्ट कैसे खुल गया है। सिर्फ ऊपर वाला जो टीने वाला हिस्सा बचा है वही बचा है। और देखिए ये पूरा जो है कि ऊपर बैगुना बर्तन इस सब जो इनका गिलास खाने का गिलास जो सब्जियां थी वो भी छिटाई हुई है, जो कि थोड़ा ट्रक अपना नियंत्रण किस प्रकार से खोया है ये तो हमको नहीं पता। लेकिन जो ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि आसपास वालों को कोई जो है कि हानि नहीं हुई, सिर्फ ट्रक को हानि हुई है और जो ट्रक चला रहे थे उनको हानि हुई है। ये देखिए कितना ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से लड़ा है। देखिए उसका जो पार्ट चारों तरफ
जो ये पुलिया के नीचे का सीन है और ऊपर देख लीजिए, आपने देखा ही होगा कि ऊपर जो देखिए कैसे ऊपर से तेल नीचे पूरा छिटाया हुआ है और इसका कुछ नज़ारा चलिए ऊपर से भी आपको दिखाते हैं। ये इतना बड़ा हादसा आपने कभी फिर देखा है? अगर देखा है तो वीडियो में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे हर समय। और चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ये जो है खतरनाक नज़ारा। जैसा कि आपको दिखाते हैं, आपको ये बात सोच पे मजबूर पड़ जाएंगे कि ये ऐसा एक्सीडेंट आपने देखा है कि नहीं पहले। चलिए आपको दिखाते हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये रहा गाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ओके, थोड़ा क्लीन करके दिखाते हैं, ये देखिए। और जो कि और सब हिस्सा जो है कि ऊपर रह गया है, चलिए लेके चलते हैं इसके पास। हाँ, एक बच गल नीचे जाइए तो समझ में आओ कुछ। हाँ ड्राइवर भैया,